हूं दीपू श्रीवास्तव, कॉमेडियन। दोस्तों आजकल पूरे देश में हर तरफ एक ही बात हो रही है, ट्रैफिक नियम इतने सख्ती से इतने कड़ाई से हो गए हैं और उसका चालान यानी पेनाल्टी 5 से 10 गुना बढ़ा दिया है। लोग हैरान परेशान, बस ये समझ लो कि ट्रैफिक चालान का डर इस कदर बढ़ गया है गालिब, ट्रैफिक चालान का डर इस कदर बढ़ गया है गालिब कि सुबह सुबह कुछ करने से पहले कमबोर्ड में भी सीट बेल्ट ढूंढते हैं। आप याद करिए पुराना डायलॉग फिल्म दीवार का अमिताभ बच्चन का, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। आज मैं जब घर से निकलता हूं अपनी कार लेके, मैं नीचे आता हूं, कार में बैठता हूं, सीट बेल्ट लगाता हूं, फौरन दिमाग की बत्ती जलती है और वही डायलॉग याद आता है, मेरे पास पीयूसी है, आरसी है, डीएल है, इंश्योरेंस है, सीट बेल्ट है, तुम्हारे पास क्या है। मेरा वॉचमैन बोलता है, साहब मेरे पास बाकी सब कुछ तो है, सीट बेल्ट की जगह हेलमेट है क्योंकि मैं बाइक चलाता हूं। और तो और जो रास्ते पे पुलिस नाकाबंदी लगी होती है वहां ढेरों कैरेक्टर मिलते हैं, वहां से कॉमेडी होती। मैंने देखा एक मोहतरमा स्कूटी से आ रही, तभी हवलदार ने रोका, ओ मैडम रुके रुके रुके, थामा, रुके, लाइसेंस बताइए। ओ भैया लाइसेंस तो मैं घर में ही भूल गई। अच्छा आपका चालान कटेगा 2000 का। क्या भैया सही भाव लगाओ ना, आपको तो मालूम आप पहचान नहीं रहे मुझे ना, मैं डेली इसी चौराहे पे आपसे चालान कटवाती हूँ। और तो एक और लड़की मैंने देखा, एक लड़की नई स्कूटी लेके चली आ रही हेलमेट लगाकर, तभी हवलदार ने रोक लिया, ओ मैडम थामा था, रुकिए रुकिए, हाँ पेपर दिखाइए, ये क्या है, आपकी तो नई स्कूटी है फिर भी आप पीयूसी नहीं लाए, इंश्योरेंस नहीं लाए, आपका चालान होगा 11,000 रुपए। क्या भैया सही सही भाव लगा लो ना, आप तो देख ही रहे हैं, सही भाव लगाओ ना, मैं एक साथ दो दो चालान कटवा रही हूँ फिर भी आप 11,000 रुपए। वहां पर भी मोल भाव। और तो मैंने देखा इस चालान के जरिए ट्रैफिक के नियम के बाद शादियां फटाफट हो रही, लड़की वाले लड़की का रिश्ता करने के लिए लड़के वालों के घर जाते हैं और लड़के के फादर से यानी लड़के के पिता से पूछते हैं, भाई आपका बेटा कमाता क्या है। तभी लड़के का बाप तुरंत बोलता है, बेटा कमाने का क्या है, बस ये समझ लीजिए कि हमारा बेटा खुद ही चालान भरवा लेता है, अपना खुद ही चालान भर देता है। ओ इसका मतलब कमाता है, तो ठीक है अच्छी से कोई डेट देकर हम शादी कर देते हैं। मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश के सभी ट्रैफिक हवलदारों को एक सीख है हमारी तरफ से कि भैया अपना रेट 50-100 ही रहने दो, सरकार का क्या है, इनके बहकावे में मत आओ, सरकार आज है कल बदल जाएगी, हमारे आपके संबंध तो पुराने हैं। और तो और मैंने आज ही देखा रास्ते में एक सूट बूट पहने हुए आदमी बाइक चला रहा था और उसकी बाइक हेलमेट लगा के आया, हवलदार ने रोका, हो थामा रुक रुक, आप पेपर दिखाइए। बेचारे ने हेलमेट उतारा, उसने पीयूसी दिखाया, उसने अपना डीएल दिखाया, उसने अपना इंश्योरेंस दिखाया और हेलमेट भी दिखाया, फिर भी हवलदार से रहा नहीं गया, बोला भाई आपके सारे पेपर ठीक है फिर भी आपको 2000 का फाइन लगेगा। आदमी परेशान, क्या बात है, क्या मतलब आपका, क्या 2000 लगेगा, मैंने सारे पेपर आपको पूरे दे दिए, हेलमेट भी मैंने लगाया होगा, फिर 2000 क्यों, आपको मालूम नहीं आपने ये सारे पेपर अच्छे से सेफ्टी से प्लास्टिक बैग में रखे हैं, प्लास्टिक बैन है पूरे देश में, उसका 2000 लगेगा। ये लोग छोड़ते नहीं है। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरा तो बस यही, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ बक 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 बक, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले लाफ्टर बाकी सब आफ्टर।